Morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कलेक्टिव नेम है किसके लिए? किसके लिए? यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल, सम ऑर्गन्स एंड वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस ए डिफरेंट लेवल इन द कैनाल टू प्रिपेयर फूड एंड इट इन द डाइट फॉर अब्सॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है? जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? कलेक्टिव नेम है किस चीज का? यानी कि अपन जहां फूड ईट करते हैं, ठीक है, ईट करने के बाद क्या उसको अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है प्रोसेस है इसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं अपन? डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि अपन ने खाना लिया, ठीक है, खाना अपने पास आ गया, खाना खाने के बाद अपन ने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या किया अपने, उसको डाइजेस्टिव किया, ठीक है। यही प्रोसेस क्या है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो क्या करती है, बिगिंस एट द माउथ, पासेस थ्रू द थोरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड एट द एनस। यानी कि अपन ने माउथ से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद कहां से वो अपना जो फूड है वो गुजरेगा, थोरेक्स है, ठीक है, एब्डोमेन है, उसके बाद पेल्विस है, पेल्विस के बाद वो एनएल कैनाल्स के थ्रू क्या है वो अपना बाहर निकल जाएगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? यूज फॉर ब्रेक डाउन फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स व्हिच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड टेक इन द वेयर आर नीडेड इन द बॉडी। यानी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो फूड है अपना उसका क्या है, ब्रेक डाउन होगा और वहां से अपने को क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जहां जहां पे जरूरत होगी वहां वहां पे क्या है वो न्यूट्रिएंट्स उसके पहुंच जाएंगे। ये क्या है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन कौन से ऑर्गन्स हैं उन पे अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्या है अपना एलिमेंट्री ट्रैक है, ठीक है, और सेकंड होता है एक एसेसरी ऑर्गन। दो चीजों से मिलकर क्या है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। फर्स्ट क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक है, सेकंड क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। एलिमेंट्री ट्रैक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा अपना माउथ आता है, देन आफ्टर क्या आता है अपना फेरिंग्स आता है, देन आफ्टर अपना क्या आएगा इसोफेगस आएगा, इसोफेगस के बाद क्या आएगा स्टमक आएगा, स्टमक के बाद क्या आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये सारे के सारे क्या है अपनी जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसके क्या है ऑर्गन है। एलिमेंट्री ट्रैक में कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, कौन से ऑर्गन से एलिमेंट्री ट्रैक बनती है? माउथ है, माउथ के बाद उसमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस होता है, इसोफेगस के बाद क्या होता है स्टमक होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये सारे के सारे किसके ऑर्गन है अपने एलिमेंट्री ट्रैक के। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है असेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के असेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि तीन पेयर होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की अपनी, ठीक है। देन आफ्टर क्या होती है अपनी पैनक्रिया आती है, पैनक्रियाज है, और उसके बाद क्या है लीवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट, इनसे क्या है ये सारे के सारे क्या है इसके असेसरी ऑर्गन है, और ये क्या है पहले वाले ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट के ऑर्गन है। सबसे पहला पॉइंट जो अपना वो क्या है माउथ है। माउथ क्या है, माउथ को अपन ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बना होता है, बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन, यानी कि जो अपना माउथ है उसको अपन क्या बोलते हैं ओरल कैविटी भी बोलते हैं, और ये किससे बना हुआ होता है मसल्स एंड बोन से मिलके क्या है अपना माउथ बना रहता है, ठीक है।
इसके जो एंटीरियर भाग है, एंटीरियर भाग में क्या प्रेजेंट होता है, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर भाग जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओरोफेरिंग्स से कनेक्ट रहता है। लेटरल भाग में क्या है, मसल्स ऑफ द चिक से कनेक्ट रहता है। सुपीरियर के अंदर क्या है, बोनी हार्ट पैलेट और मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर इंटीरियरली की बात, इन्फीरियरली की बात करें तो इन्फीरियरली में क्या होता है, इसके मस्कुलर टंग एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द माउथ, ये क्या है माउथ के वो इन्फीरियरली भाग में कनेक्ट रहता है। देन आफ्टर माउथ के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं अपने, माउथ के अंदर क्या है, टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, टंग क्या है कि वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। टंग क्या होती है, वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये किससे कनेक्ट रहती है, ये जो अपना हायोड बोन है, ठीक है, उससे क्या है टंग अपनी कनेक्ट रहती है। इसके बाद क्या आते हैं अपने, टीथ आते हैं। टीथ क्या है, टीथ का फंक्शन क्या होता है, जो भी अपन फूड इनटेक करते हैं उसको क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना किसका फंक्शन होता है, टीथ का फंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स को अपन ने स्टडी के बेसिस पे तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स, यानी कि जो अपना फेरिंग्स है उसको कितने, उसके कितने सब पार्ट कर रखे हैं, तीन पार्ट कर रखे हैं, जिसको कौन से हैं, सबसे पहले अपना क्या है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स, ये क्या है अपने, इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर अपना क्या आता है, इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, एक 25 सेंटीमीटर के लॉन्ग होता है और 2 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये कहां पे सिचुएटेड होता है, मीडियन प्लेन इन द थोरेक्स इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। यानी कि इसोफेगस क्या है, 25 सेंटीमीटर की क्या है, एक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। सिचुएशन, लोकेशन क्या होती है इसकी, मीडियन प्लेन इन द थोरेक्स इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिकल कॉलम, ठीक है, एंड बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। ये जो अपना इसोफेगस है ये किससे कंटिन्यूस रहता है अपना, द इसोफेगस इज कंटिन्यूस विद द फेरिंग्स एंड स्टमक, यानी कि जो इसका अपर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहेगा, इसका अपना फेरिंग से कनेक्ट रहेगा, और जो लोअर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहेगा, अपना स्टमक से कनेक्ट रहेगा। जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, इसको फेरेनिक आर्टरी के द्वारा क्या है, इसको ब्लड सप्लाई की जाती है। नर्व सप्लाई इसके अंदर क्या होती है, सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक टाइप की क्या है, नर्व सप्लाई होती है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके, बोलस का निर्माण करते हैं, यानी फंक्शन क्या है इसके, बोलस का निर्माण होता है, यानी कि जो भी अपन ने फूड इनटेक किया उसको क्या करते हैं, ये सारे के सारे मिलके माउथ फेरिंग्स इसोफेगस सारे के सारे मिलके क्या है, उसको बारीक बारीक भागों में ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, और उसके बाद वो सारा का सारा मिक्सचर हो जाता है, यानी कि उसको पूरे को लार के रूप में क्या है, लार के साथ वो मिक्स होके क्या है, जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्या है, बोलस बोलते हैं उसको अपन। चबाने में हेल्प करता है, डाइल्यूटेशन में हेल्प करता है। देन आफ्टर अपना क्या आएगा, स्टमक। स्टमक क्या है, एक जे शेप का डायलेटेड पोर्शन होता है, ठीक है, जो कहां पे सिचुएटेड होता है अपना, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर सिचुएटेड होता है। जो इसके साथ में ऑर्गन कौन से होते हैं, एंटीरियर भाग में क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट लैब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है,
पोस्टीरियर भाग में क्या मिलेगा? अब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या है आपको स्टमक के पोस्टीरियर भाग में मिलेंगे। देन आफ्टर अब्डोमन का आता है सुपीरियर भाग। सुपीरियर भाग के अंदर क्या मिलेगा आपको? डायफ्राम मिलेगा, इसोफेगस मिलेगा एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, यानी कि जो आपकी लीवर है उसका क्या मिलेगा? लेफ्ट लोब मिलेगा। अगर आप बात करते हो इंफीरियर की तो इंफीरियर के अंदर क्या मिलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टोमक के इंफीरियर भाग में प्रेजेंट होती है और लेफ्ट साइड के अंदर क्या है? डायफ्राम एंड स्प्लीन प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड से क्या है इसके? ड्यूडिनम एंड लीवर प्रेजेंट होती है। अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? जे शेप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो आपका स्टमक है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? जे शेप की इसकी क्या है? स्ट्रक्चर होती है। इलियक आर्टरी है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है। सिंपैथेटिक टाइप की इसके अंदर क्या है? नर्व सप्लाई होती है। जो आपका स्टमक है वो अप्रोक्सीमेट क्या है? 1 से 1.5 लीटर तक क्या है? फ्लूड फूड को कलेक्ट करके रख सकता है। ठीक है, दो लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस किन किन चीजों से मिलके बनता है? वाटर होता है, मिनरल साल्ट होता है, ठीक है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये सब सारी की सारी चीजें मिलके क्या करती हैं? अपने गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं। देन आफ्टर अपना पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, किससे कंटिन्यूस रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंटिन्यूस रहेगी किससे? अपने स्टमक से कंटिन्यूस रहेगी। जो एक जो अपर पार्ट है वो किससे रहता है? उसका स्टमक से। ठीक है, ये लगभग 5 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग होती है और अब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? केमिकल डाइजेशन होता है किसका? फूड का। जो आपने फूड इंटेक किया माउथ के थ्रू, ठीक है, फेरिंग्स, इसोफेगस ने सबने मिलके क्या किया? उसका बोलस बनाया और स्टमक के अंदर भेज दिया। तो स्टमक से क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? वो डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्ट कहां पे होगी? वो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। देन आफ्टर अपना क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है? अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर लॉन्ग क्या है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो कंटेंट है, फूड कंटेंट है, वो कहां पे आएंगे? अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे। और जो एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट ऑर्गन है वो क्या है? रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम क्या है? स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन होता है किसका? कोलन का। अब 13 सेंटीमीटर तक क्या है ये? लॉन्ग होता है। एनल कैनाल की अगर बात करें तो एनल कैनाल क्या है? एंड पार्ट जो है अपना एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या होता है? एनल कैनाल होता है। लास्ट पॉइंट अपना क्या है? एसेसरी ऑर्गन, यानी कि कौन से एसेसरी ऑर्गन हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला क्या है? अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की अपन बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? यहां पे अपनी
तीन टाइप की सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, पैरेटेड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये क्या है अपनी सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, कौन सी, पैरेटेड पैरेटेड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, ठीक है, ये तीन क्या है अपनी ग्लैंड होती हैं, कौन सी होती हैं, सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। ये कहां पे प्रेजेंट होती हैं, ये तीनों की तीनों ग्लैंड्स जो है वो अपनी माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन आफ्टर अपने आते हैं नेक्स्ट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, एक पैल ग्रे कलर की क्या है ग्लैंड होती है जिसका वेट अबाउट कितना होता है 60 ग्राम इसका क्या होता है वेट होता है और 12 से 15 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग होती है, ठीक है, ये एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन जो है वहां पे क्या है प्रेजेंट होता है, यानी कि जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी का जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है और वहां पे एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन जो है वहां पे क्या है ये अपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पैनक्रियाज, ठीक है, क्या है सिचुएटेड रहता है। जो इसका हेड पार्ट है वो क्या होता है बड़ा होता है और जो टेल पार्ट है वो क्या है छोटा होता है, पूंछ की तरह होता है। देन आफ्टर क्या है लीवर। लीवर क्या है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है किसकी अपनी बॉडी की, ठीक है, जिसका वेट कितना होता है 1 kg to 2.3 kg के इसका वेट होता है। ये कहां पे सिचुएटेड होती है, इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अपर पार्ट के अंदर क्या है ये सिचुएटेड रहती है एंड ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, यानी कि कहां से कहां तक होती है ये अपनी हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन तक होती है। जो ऑर्गन है वो कौन से होते हैं, सुपीरियर और एंटीरियर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसके डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देन आफ्टर इसका इंफीरियर पार्ट, जो इंफीरियर पार्ट के अंदर क्या होता है स्टमक होती है, बाइल डक्ट होती है, ड्यूडिनम होता है, हेपेटिक फ्लेक्चर होते हैं, कोलन होते हैं और राइट किडनी एंड एडनल ग्लैंड जो है वो क्या है अपनी इसके इंफीरियरली पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर पार्ट की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, इसोफेगस मिलेगा, इंफीरियर वेना कैवा मिलेगा, आयोटा मिलेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा और वर्टिब्रल कोलम मिलेगा। लेटरली की बात करें तो लेटरली के अंदर क्या मिलेगा अपने को, लोअर रिब मिलेगी और डायफ्राम मिलेगा। हेपेटिक आर्टरी जो है वो क्या करती है इसको ब्लड सप्लाई करती है और पोर्टल वेन क्या करती है ड्रेनेज करती है। फंक्शन क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ये सारे के इसके फंक्शन है। देन आफ्टर अपनी आती है बाइलरी ट्रैक्ट। बाइलरी ट्रैक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जॉइंट टू द होम ए कॉमन हेपेटिक डक्ट जस्ट आउटसाइड द पोस्टल फिशर। देन आफ्टर अपना आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या है कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किन किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट व्हिच पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आर टेक टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी। सबसे पहला क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ब्रेक डाउन इनटू ब्रेक डाउन फूड, जो आपने फूड जो इनटेक किया उसको क्या करना है अपने को ब्रेक डाउन करना है, यानी कि उसका तोड़ना है इनटू न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा विच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बाद क्या होगा, जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके द्वारा क्या है वो उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा और मिक्सअप होने के बाद क्या है जहां पे अपनी बॉडी में उस चीज की नीड है वहां तक वो पहुंच जाएगा, यही क्या होता है अपना डाइजेस्टिव
सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फूड का इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद क्या, जो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद जो वो अपने ब्लड के अंदर मिक्स होके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या है, वो अपनी पूरी होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। और सर्कुलेट होने के बाद क्या है, जहां जहां पे अपने को उसकी नीड होगी वहां वहां पे क्या है, वो पहुंच जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कलेक्टिव नेम यूज टू द डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल, सम एसेसरी ऑर्गन एंड ए वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल इन द कैनाल टू प्रिपेयर फूड इट इन द डाइट फॉर अब्सॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक अपना कलेक्टिव नेम है, किस चीज के लिए यूज में लेते हैं अपन, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के लिए, और जो उसके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं, एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं इसके, अपने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या है इसके एसेसरी ऑर्गन है, पैनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, लीवर है, बाइलरी ट्रैक्ट है, ये सारी की सारी क्या है अपनी एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एंड ए वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी कि डाइजेशन कैसे होता है वो पूरी की पूरी प्रोसेस, ठीक है, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं, ठीक है, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं वो, और जो आपने फूड ईट किया है और उससे उसको अब्सॉर्प्शन करने की जो पूरे का पूरा का जो सिस्टम है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एट द माउथ, यानी स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और थोरेक्स पासेस थ्रू द थोरेक्स एब्डोमिनल एंड पेल्विस एंड एंड एट द एनस, यानी कि जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद माउथ से स्टार्ट होकर जो जो अपना एंड पार्ट जो है एनस एनल कैनाल जो है वहां तक की पूरी प्रोसेस है वो क्या है, एक पूरी की पूरी कैनाल के थ्रू अपने इसके अंदर पूरी होती है। और उस कलेक्टिव को ही सभी ऑर्गन्स को कलेक्टिव रूप में अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज ए जनरल स्ट्रक्चर विच इज मॉडिफाइड एट द डिफरेंट लेवल टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेस अकरिंग एट ईच लेवल। क्या है स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर के बाद क्या है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, मॉडिफाइड हो जाती है, किसके लिए, जहां जहां जैसी जैसी होती है वहां वहां क्या है, ये स्ट्रक्चर पूरी की पूरी मॉडिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, द एक्टिविटीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप अंडर 5 मेन हेडिंग्स, यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या है कितने भागों में डिवाइड कर लिया, 5 भागों के अंदर क्या है अपन ने डिवाइड कर लिया। सबसे पहले क्या है इंजेशन, इंजेशन का मीन्स क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द एलिमेंट्री कैनाल यानी एंड एलिमेंट्री ट्रैक, यानी कि अपन ने जो फूड को है क्या किया, इनटेक किया, ठीक है, वही क्या है अपना इंजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो जो फूड आया वही क्या है अपनी सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो अपने फूड इनटेक किया वो क्या है, वो मूव होगा, यानी कि वो अपने जो माउथ है उसके अंदर क्या है, मूवमेंट करेगा, ठीक है, वो क्या है अपनी सेकेंड प्रोसेस होती है। थर्ड प्रोसेस क्या है अपनी च्यूइंग, यानी कि इसके अंदर क्या है डाइजेशन, इसके अंदर क्या है जो अपन ने जो फूड इनटेक किया उसको क्या है अपन मेकन ब्रेक डाउन करेंगे उसका, ठीक है, उसको क्या है अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, वो क्या है अपनी थर्ड स्टेप होती है। केमिकल डाइजेशन क्या है, कौन कैसे कंप्लीट होता है,
केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन सीक्रेशन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेट, वो जो सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करती हैं, उनके थ्रू क्या है वो अपना जो डाइजेशन है वो केमिकल डाइजेशन होता है। टीथ जो है वो क्या करते हैं उसको मैकेनिकल यानी कि मशीनरी की तरह जो अपने दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या होता है मैकेनिकल होता है। और जो केमिकल होता है, दो टाइप से क्या है अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, केमिकल एक मैकेनिकल। केमिकल के अंदर क्या है जो अपने जो फूड कंटेंट्स हैं उनको क्या है अपन ने ब्रेक डाउन किया, किसके थ्रू, जो अपने टीथ है उनके थ्रू जब वो ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है एंजाइम्स के प्रेजेंट के अंदर अगर जो डाइजेस्ट होता है जो फूड उसको अपन क्या बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है जो अपन ने सारा का सारा फूड जो था उसको क्या किया अपन ने ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा वो अपने ब्लड के अंदर मिक्सअप जो होगा, मिक्सअप होने के बाद क्या है अपने जो ब्लड ब्लड के अंदर क्या है मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद क्या है पूरी होल बॉडी के अंदर वो सर्क्यूलेट होगा और जहां जहां पे जिसकी नीड होगी वहां वहां पे क्या है वो सर्क्यूलेट हो जाएगा। वो क्या होता है अपना अब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। लास्ट प्रोसेस क्या है अपनी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है जो फूड कंटेंट ठीक है डाइजेस्ट होने के बाद जो बच गए वो सारे के सारे क्या है फीकस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, जो डाइजेस्ट हो गए वो, और जो डाइजेस्ट नहीं हुए वो सारे के सारे क्या है फीकस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये क्या है अपना एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है। तो जो अब्सॉर्प्शन यानी कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, पांच भागों में अपन ने डाइजेशन को डिवाइड कर लिया। सबसे पहला क्या है अपनी जो है अपन ने फूड को क्या किया इनटेक किया, इनटेक करने के बाद क्या है वो अपनी एलिमेंट्री माउथ के अंदर यानी कि वो मूव कर रहा है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा दो टाइप से क्या है अपना डाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या है मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा जो अपने टीथ है, टीथ क्या करेंगे उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। टीथ के द्वारा जब वो ब्रेक डाउन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं केमिकल, यो सॉरी मैकेनिकल डाइजेशन। देन आफ्टर क्या होगा केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या है जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं और उनकी प्रेजेंस के अंदर क्या है वो डाइजेशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। देन आफ्टर अपना आता है अब्सॉर्प्शन यानी कि जो डाइजेस्ट हुआ जो अपना फूड, ठीक है, और वो पूरा का पूरा क्या है अपनी होल बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है सर्क्यूलेट हो रहा है। जो अपन ने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा अपने जो होल बॉडी है उसके अंदर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो सर्क्यूलेट हो गए न्यूट्रिएंट्स हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं अब्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है फूड सब्सटेंस व्हिच हैव ईटन बाय कैन नॉट बी डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब आर एक्सक्रीटेड बाय द बाउल एज फीकस, यानी कि जो सब्सटेंस अपन ने क्या किया ईट किए बट वो डाइजेस्ट नहीं हुए और अब्सॉर्ब नहीं हुए उन सारे के सारे क्या है वो अपने फीकस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं एलिमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम बना लो और नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में अपन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन स्टडी करेंगे।